हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे आप लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट TYBF का सम सॉल्व कर रहे हैं, एमकॉम क्यू भी सेम है, तो आप लोग चैनल सर्च करके मेरा वीडियो मिला, राइट। तो मैं सोचा आपके लिए और एक वीडियो बनाता हूँ। अब ये वाला सामने पैराग्राफ वाइज, राइट। तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, तुमको एकदम सिंपल तरीके से स्टार्ट करता हूँ, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है ना। तो मैं अभी जो सम पढ़ा रहा हूँ, मेरे आजू बाजू में ना फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठे, सेकंड ईयर के बच्चे बैठे, उन लोगों को टॉपिक नहीं है, पर सोचा लोगों को भी करोगे तो इंटरेस्टिंग फील होगा, मैं अकेला बैठ के क्या करा देंगे, राइट। तो आ जाओ, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में देखने का कि बस है कि ट्रक है कि टैक्सी है। इधर बोला ट्रांसपोर्ट कंपनी का बस है, एक बस है मतलब गाड़ी है जो 60 किलोमीटर चल रहा है। कितना किलोमीटर? मतलब जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर है। और फिर इसके बाद क्या बोला, 9 लाख का गाड़ी है, 90 लाख की गाड़ी है, 1 2 3 नहीं 9 लाख ना, 60 बोला था, 90 लाख की गाड़ी है। बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप। क्या बोला? 3 राउंड, मतलब जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, 1 आ रहा है जा रहा है, 2 आ रहा है जा रहा है, 3, मतलब 3 राउंड ट्रिप कर रहा है। तो अपने को सबसे पहले क्या क्या सॉल्व करने का, कॉस्ट ये किलोमीटर रन कि गाड़ी कितना किलोमीटर चली। तो सबसे पहले लिखेंगे किलोमीटर, तो गाड़ी कितना किलोमीटर चली, 60 किलोमीटर, ये अपना वर्किंग नोट का पार्ट है। ट्रिप्स कितने बार आ रहा जा रहा है, मतलब इधर बोला 3 राउंड ट्रिप, राउंड मतलब 2 होता है, राउंड मतलब, तो 3 बार आ रहा जा रहा है, 3 टाइम्स कमिंग एंड गोइंग। और फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि मंथ है, वीक्स है, डेज है। तो इधर बोला राउंड ट्रिप पर डे, और 40 पैसेंजर बैठ रहे हैं एक बस पे, एक ट्रिप में। बस ऑपरेट 300 डेज इन ईयर, एक वर्ड आया ईयर, मतलब पूरा सम का भी ईयर में सॉल्व करना है। तो ईयर और कितना दिन चल रहा है, बोला 300 दिन चल रहा है। तो अभी इससे अपने को किलोमीटर रन मिल जाएगा कि गाड़ी का एक्चुअल किलोमीटर कितना है। तो 60 किलोमीटर है, ओके। उसके बाद 3 × 2 6, और 300 क्या उसका डेज है, तो कितना किलोमीटर चला, 108,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल रही है। फिर नेक्स्ट अपना रहेगा पैसेंजर किलोमीटर, तो पैसेंजर कितना बैठ रहे हैं, 40 पैसेंजर, मतलब बस में जितना सीट है 40 पैसेंजर आ रहा है, ओके। तो फिर मैं देखूंगा 60 किलोमीटर चल रहा है, दिन में 3 बार आ रहा जा रहा है, और 300 दिन चल रहा है, और कितना पैसेंजर लेके चल रहा है, 40। तो फिर इस सबको मल्टीप्लाई करके 40 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो अपने को पैसेंजर किलोमीटर मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसेंजर किलोमीटर, 4321 2340, ये हो गया अपना पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर, इतना पैसेंजर किलोमीटर हो गया, ये अपना किलोमीटर, गाड़ी इतनी किलोमीटर चल रही है। तो इधर मैंने क्या लिख दिया, फिक्स चार्जेस, फिक्स मतलब जो चेंज नहीं होता, वेरिएबल मतलब छोटा मोटा, इसको रनिंग चार्जेस बोलते हैं। तो अभी एक एक आइटम को सॉल्व करेंगे, ऐड करना पड़ेगा, तो एडजस्टमेंट भी है। तो सबसे पहले क्या बोला, अच्छा 90 लाख की गाड़ी है, इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कराया, कितना बोला है, 3% प्रीमियम एनुअल बोला है। तो 90 लाख की गाड़ी का, जो 90 लाख का गाड़ी है उसका 3% प्रीमियम, तो 3% कितना है, 2,70,000 है, और ये एनुअल बोला है, तो इसके डायरेक्ट अमाउंट बाहर डाल दिया, क्योंकि अपन को साल का हिसाब चाहिए, क्योंकि गाड़ी साल में 300 दिन चल रहा है ना, 300, तो मंथ नहीं चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट जो 90 लाख की गाड़ी है उसके ऊपर 3% निकाला, और इंश्योरेंस इसे फिक्स चार्जेस, ओके। तो एक एक्सपेंडिचर हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्या बोला है, गैरेज रेंट 20,000 पर मंथ, तो गैरेज रेंट क्या होता है, फिक्स होता है, 20,000 पर मंथ बोला, तो साल में 12 महीना होता है ना, अपने को साल का हिसाब चाहिए, इसलिए × 12 करना पड़ा, 20,000 को × 12 करेंगे तो अपना आएगा 2,40,000, ये हो गया गैरेज रेंट हो गया। फिर इधर क्या बोला है मालूम है क्या, एनुअल रिपेयर, एनुअल मतलब साल का 6 लाख, एनुअल रिपेयर साल का 6 लाख, ओके। तो ये रिपेयर्स हो गया, राइट। तो रिपेयर्स मैंने फिक्स में लिखा है, मेरे को काटना पड़ेगा, क्योंकि रिपेयर्स रनिंग होता है, क्या होता है, रनिंग, रिपेयर्स इधर नहीं आएगा, तो इधर लिखूंगा रिपेयर्स। अच्छा कितना दिया साल का रिपेयर मालूम है क्या, 6 लाख, डायरेक्ट 6 लाख बाहर आ जाएगा। और इधर एक वर्ड बोला है एनुअल, मतलब सीधा बाहर। अब इधर क्या बोला है, वर्किंग लाइफ ऑफ बस इज 10 ईयर। देखो ना, 90 लाख की गाड़ी है और गाड़ी 10 साल चली, और साल 10 साल चलने के बाद स्क्रैप हो गई, भंगार हो गई 6 लाख। तो ये सब क्यों सॉल्व करने का, डेप्रिसिएशन, किधर सॉल्व करने का, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, तो डेप्रिसिएशन के लिए सॉल्व करने का, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस भंगार की वैल्यू, और कितने साल चली, लाइफ ऑफ वैन लिखा मैंने, वैन मतलब बस। तो ओरिजिनल कॉस्ट, गाड़ी कितने की है, 90 लाख की गाड़ी है, राइट। द कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 90 लाख, एंड व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू दिया है 6 लाख, कितना दिया है, 6 लाख भंगार का वैल्यू है, और कितने साल चली गाड़ी, 10 साल। तो अपने को 1 साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा, किसका मिलेगा, 1 साल का। तो 90 लाख में से 6 लाख माइनस किया और 10 साल चला, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया 8,40,000 पर एनम, मतलब साल का डेप्रिसिएशन 8,40,000। और अपन हिसाब भी साल का कर रहे हैं, और डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स चार्जेस होता है, तो 8,40,000 डायरेक्ट इधर आ जाएगा, है ना, ये 8,40,000। तो कैसे सॉल्व मालूम पड़ा, ये सॉल्व करना पड़ा, स्क्रैप लिख के आया, नंबर ऑफ ईयर, ओरिजिनल कॉस्ट, तो आगे पीछे दिया रहता है, आपको देखना पड़ेगा बच्चे लोग, ठीक है। तो एक तरफ से डेप्रेशन मैंने क्या कर दिया,
सॉल्व कर दिया। ओके नेक्स्ट क्या बोला है, ड्राइवर को सैलरी दिया 18,000 पर मंथ। तो ड्राइवर सैलरी क्या होता है, फिक्स होता है 18,000 पर मंथ, तो इंटू 12 करना पड़ेगा क्योंकि साल की सैलरी कितनी होती है, साल में 12 महीना होता है, एक महीने का इतना दिया तो 2,16,000 बाहर आ जाएगा। उसके बाद सैलरी हो गया, कंडक्टर की सैलरी 12,000 पर मंथ, तो कंडक्टर का रनिंग में डालने का रहता है, कंडक्टर को कितना 12,000, कंडक्टर को सैलरी कम देते हैं राइट, टिकट काटता ना इसके लिए, और साल में 12 महीना तो एक महीने का 12,000, 12 × 12 = 144 है ना, तो ये हो गया सैलरी ऑफ कंडक्टर। फिर उसके बाद बोला है ओवरहेड्स, ओवरहेड मतलब छोटा मोटा खर्चा, चाय पानी जो भी बस का खर्चा होता है, 48,000 पर मंथ, तो 48,000 रनिंग में आएगा पर मंथ बोला, फिर से इंटू 12 करना पड़ेगा अपने को, 48,000 × 12 5,76,000। ओके ये कौन सा चार्जेस है ओवरहेड। फिर बोला टोल टैक्स, टोल मतलब रोड का जो टैक्स है, 700 पर मंथ बोला है, फिर से पर मंथ बोला, मतलब इंटू क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा क्योंकि अपन को साल का हिसाब चाहिए, इंटू 12 किया तो 8,400 आ गया। आफ्टर दैट क्या बोला है, अब ये मेन डीजल पे आ गया, तो आ जाओ तो डीजल पे क्या बोला है बच्चे लोग, जो गाड़ी में डीजल लगता है तो 58 पर लीटर, एक लीटर 58 का है, और एक लीटर में गाड़ी कितना चल रहा है 5 किलोमीटर, तो मतलब एक लीटर का 58 रुपीस, और कितना किलोमीटर चल रहा है 5 किलोमीटर, और अपनी गाड़ी कितनी किलोमीटर चली 108,000, तो अपनी गाड़ी इतनी किलोमीटर चली, तो इतने किलोमीटर का कितना रुपया हो गया, 58 का जब 5 किलोमीटर का इतना होता है तो इतना किलोमीटर का कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 108,000 को 58 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे 5 करेंगे, तो 108,000 का इतना अमाउंट कॉस्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12,52,800। ये किसका कॉस्ट आ गया अपना मालूम है, पूरा डीजल का कॉस्ट आ गया, 5 किलोमीटर का इतना चला है तो 108 किलोमीटर का कितना हो गया, वो हमने कॉस्ट क्या कर दिया उठा के डाल दिया ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, और कोई खर्चा है क्या डीजल के बाद, नहीं बोला है, और ये इन्फॉर्मेशन लास्ट में दिया था, हमने फर्स्ट सॉल्व किया क्योंकि अपना वर्किंग नोट होता है, बस 3 राउंड ट्रिप मारा पर डे एवरेज 40 पैसेंजर किलोमीटर, तो हमने ये किलोमीटर निकाला, पैसेंजर किलोमीटर निकाला। अभी आधा क्वेश्चन इधर है जो 3 सवाल किया ना, तो उसके लिए अभी अपने को टोटल लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा टोटल लेना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ एक अमाउंट ऐड करके बाहर डालता था, पहले इधर को टोटल ले लेता हूँ 12,58,000 1,2,3,6,00,000 8,400 576 144, इसका इतना आ गया मालूम 25,81,200, ये हो गया तुम्हारा रनिंग चार्जेस। अब फिक्स का भी जोड़ देता हूँ ना, 2,70,000 2,40,000 2,16,000 और 8,40,000, बहुत महंगा बस है रे 15,66,000। अब दोनों को ऐड करेगा अपने को टोटल कॉस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 41,47,200, इन लोग को ऐड करके टोटल कॉस्ट आ गया राइट, तो इतना खर्चा हो गया। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है इधर, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कॉस्ट पर किलोमीटर, एक किलोमीटर का कितना खर्चा हो गया, तो दिख रहा है टोटल कॉस्ट, उसको लिखेंगे ये टोटल कॉस्ट है, और उसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, गाड़ी कितनी किलोमीटर चली 108,000, तो वी हैव टू फाइंड कॉस्ट पर किलोमीटर, तो ये कॉस्ट है ना इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किलोमीटर से, तो एक किलोमीटर का खर्चा आएगा पर किलोमीटर का, तो कितना आ जाएगा एक किलोमीटर का 4,147/108,000, तो एक किलोमीटर का हो गया 38.4, कितना हो गया 38.4। अब इधर बोला है नेक्स्ट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, क्या बोला कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर ठीक है, तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर में क्या करेंगे, सेम जो अमाउंट है ना कॉस्ट का 41,47,200, उसको पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे, तो पैसेंजर किलोमीटर कितना है 4,32,40, तो इसको डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा पैसेंजर किलोमीटर, क्या मिल जाएगा पैसेंजर किलोमीटर, कितना आया 4,32,40, ये आ गया पैसेंजर किलोमीटर राइट। और फिर थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, सजेस्ट द पैसेंजर फेयर पर ट्रिप अज्यूमिंग दैट कंपनी वांट्स, कंपनी को क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए 100% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो 100% कंपनी सोच रही प्रॉफिट कमाने का कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट कितना मालूम है पूरे गाड़ी चलाने का खर्चा कितना है फिक्स और रनिंग, तो ये टोटल कॉस्ट हो गया,
तो कंपनी सोच रही है 100%, तो इसके ऊपर 100% निकालना है कॉस्ट के ऊपर, 41,47,200 पे 100%, तो यही आ जाएगा 47,200। अभी दोनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड करके कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 82,944,400। तो कंपनी सोचे कि जो कॉस्ट है ना उसमें 100% प्रॉफिट कमाने का, तो ये कंपनी का रेवेन्यू हो जाएगा। फिर इसको किससे डिवाइड कर देंगे, पैसेंजर किलोमीटर से, राइट। तो तुमको एक किलोमीटर का हिसाब मालूम पड़ जाएगा। तो ये अलग अलग टाइप का सम आया था पैराग्राफ वाइज, जो तुम्हारे लिए मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसका मस्त में स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर लो, और भी क्वेश्चन प्लेलिस्ट में ऐड है, यू कैन चेक। थैंक यू वेरी मच।